अभी कुछ दिन पहले इंदौर में चुनाव किया है और किसानों के सामने उन्होंने कहा कि बिना किसान से पूछे किसान की जमीन का अधिग्रहण नहीं हुआ। कहा कि नहीं कहा? वो वीडियो सब भारतीय जनता पार्टी के परिवार के लोगों ने सब दूर फैलाया। हमने बार बार मांग की, तीसरी बार ये आंदोलन है कि आपने इकोनॉमिक कॉरिडोर क्यों लेकर आ रहे हो, उसका रीजन दो। आप अगर इकोनॉमिक कॉरिडोर लेके भी आ रहे हो तो उस किसान ने क्या गुनाह कर दिया? वो अपना पेट काट काट कर इस जमीन को बचाया। आपको रोड बनानी है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अंतर्गत गाइडलाइन अपना साइन करो। आप जो राम की गाइडलाइन है यहाँ से 3 किलोमीटर अगर दूर आप अधिग्रहण करते हो तो फिर राव की गाइडलाइन से मुआवजा 4 गुना मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? और वो भी सिर्फ रोड की जमीन का। अगर आपको अगल बगल इंडस्ट्रियां बसानी है तो क्यों किसान के दिमाग नहीं चलता है? किसान में बुद्धि नहीं है? किसान के परिवार के लोगों में अक्ल नहीं है? किसान इनके बच्चे इंडस्ट्री नहीं डाल सकते हैं? ऐसा क्यों? ये शिवराज सिंह जी के गर्विता हैरानी है। अरे हैरानी है। कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग आए थे, हमारे प्रभावित किसान उनसे मिले और उनको कहा कि सर हम वोट उसी को देंगे जो इस इकोनॉमिक कॉरिडोर का विरोध करेगा। मैंने वीडियो देखा, सांसद महोदय थे, मंत्री महोदय थे, हमारे और भी भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। मैं क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री ने तो कहा है कि हम बिना किसान से पूछे जमीन नहीं लेंगे। रहू में 165 नंबर स्कीम क्या किसान से पूछ के बनी थी? अरे रहू में 165 नंबर स्कीम किसान से पूछ के बनी थी क्या? जब फिर से वही भारतीय जनता पार्टी के नेता जी आए 119 नंबर के नाम पर यहाँ रहू में स्कीम लगाई, यहाँ के किसान जो भारतीय जनता पार्टी के किसान भी है वो आईडी के अध्यक्ष थे, सांसद महोदय आईडी के अध्यक्ष थे और दूसरे नेता जी, अगर आपने दोनों ने मिलके आपके दोनों कार्यकाल में इंदौर में कितनी स्कीम लगाई, इतनी स्कीम आपके किसानों से पूछ के लगाई? जवाब है उसका भारतीय जनता पार्टी के नेता उनके मुख्यमंत्री कान खोल के सुन ले। मैंने गांधीनगर में भी ये बात कही थी, फिर से दोहरा रहा हूँ, ये कांग्रेस बीजेपी का विषय नहीं है, ये विषय दलगत राजनीति का हो ही नहीं सकता है। जब किसान की बात आए, उसकी वेदना की बात आए, उसके अधिकार की बात आए तो फिर देशभक्ति की बात अंतर्मन में आनी चाहिए। भगवान है किसान, अन्न उगाता है, जीवन देता है भगवान। जीवन चलाने के लिए अन्न की आवश्यकता पड़ती है, जो भगवान जीवन देता है उसको चलाता किसान का बेटा है। इसलिए जब भगवान है वही किसान है। मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप शिवराज जी, आपने इस तरीके की हठधर्मिता, सावेर के एक मंत्री जी आए थे, उन मंत्री जी ने आज तक नहीं कहा कि सावेर में इकोनॉमिक कॉरिडोर के साथ एक स्कीम आई थी। आपने विधानसभा के लोगों में रोड भी बन गई और स्कीम भी लग गई, गांव में नहीं लगा पाया, याद है? इसलिए कि मैंने कहा था कि मेरी अंतिम बूंद तक, खून की अंतिम बूंद तक और मेरी अंतिम सांस तक 1 इंच जमीन राम विधानसभा की सरकार और आईडीए को नहीं लेने दूंगा, वो चाहे विकास प्राधिकरण हो, चाहे सरकार की कोई भी व्यवस्था हो। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।